कांग्रेस की पीछे की दरी पे बैठे हैं, बीजेपी में ही बैठे रहेंगे। ढक्कन नहीं लगे, कांग्रेस की धूनी धूनी बोलते हैं मारवाड़ी में, तो वो धूनी बुझ गई है। अब 20 साल कोई ऐसा नेता पैदा नहीं होगा जो 20 साल में इसमें कोई चिंगारी पैदा कर। कोई शर्त नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। कांग्रेस ने हमारे को कुछ नहीं दिया है, हमारे ही किसान के बेटे को उपराष्ट्रपति के पद पर पहुंचाया, 3 गवर्नर है। आज एक बड़े लेवल की ज्वाइनिंग हुई है, तो इसको कहते हैं कि गठबंधन टाइप की सरकार नहीं है। बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस का दामन छोड़कर शर्त पे या फिर बेशर्त? कोई शर्त नहीं हमारी, कोई शर्त नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। हमारी शर्त यही है कि हम भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में जो विकसित भारत का सपना है उसमें उनके साथ लग के बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ता के साथ लग के काम करेंगे। ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस से मोह भंग हो गया, क्योंकि कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे आप? अरे मैं रहा हूँ, पर आप देखो 50 साल में कांग्रेस ने हमारे को क्या दिया है। कांग्रेस ने हमारे को कुछ नहीं दिया है। मैम जब अभी 1999 में आरक्षण की बात चली थी तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी ने हमारे जाट समाज को आरक्षण दिया था। अभी नरेंद्र जी मोदी साहब ने हमारे ही किसान के बेटे को उपराष्ट्रपति के पद पर पहुंचाया, 3 गवर्नर हैं, इससे अच्छा वो क्या कर सकते हैं? क्यों हमारे 50 साल से हमारा समाज कांग्रेस को वोट दे रहा है और इस कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जो काम हमने किया है वो किसी ने नहीं किया। यशपाल जी, आप बार बार कह रहे हैं जाट समाज की बात उठा रहे हैं, बीजेपी से क्या उम्मीद है जाट समाज को लेकर? बीजेपी हम तो नहीं तो ही उसके कांग्रेस की पीछे की दरी पे बैठे हैं, बीजेपी में ही बैठे रहेंगे, हमारे को क्या तकलीफ है? जब हम तो आपको किसान नेता कहा जाता है और किसानों के नाम, किसानों ने आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है, बिल्कुल किया। आपके क्षेत्र में किसानों की स्थिति आपसे छुपी नहीं है, क्या कहेंगे? मेरे क्षेत्र के किसानों की स्थिति अच्छी है, ये सारे मेरे क्षेत्र के ही हैं, आप पूछ लो इनको, सब बढ़िया स्थिति है। मेरे को कितना पसंद करते हैं, मेरे लिए जान भी दे सकते हैं, ये हकीकत है। आप कह रहे हैं कांग्रेस में ढक्कन लग गया, इसका क्या मतलब है? हैं? कांग्रेस में ढक्कन लग गया, इसका क्या मतलब है? ढक्कन नहीं लगे, कांग्रेस की धूनी धूनी बोलते हैं मारवाड़ी में, जो हम आग जलाते हैं ना उसको बोलते हैं धूनी, तो वो धूनी बुझ गई है इसकी। अब 20 साल कोई ऐसा नेता पैदा नहीं होगा जो 20 साल में इसमें कोई चिंगारी पैदा कर सके। महेंद्रजीत सिंह मालवीय को तो लोकसभा का टिकट मिल गया, रिचपाल मिर्धा भी क्या चुनाव नहीं? मेरे को कोई टिकट नहीं चाहिए, मैं मेरी जनता का काम करूंगा, इससे संतुष्ट हूँ। बीजेपी में आकर अब क्या करने वाले? आज सेवा करेंगे अपन, मैम सेवा करेंगे ना, सेवा करेंगे जनता की, कोई नहीं चाहिए अपने को। लगता तो कुछ इस तरीके का ही है, लोगों का जो एक मानस है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिख रहा है, और इसीलिए आज आप देखेंगे कि कई समाज के लोग जो हैं, चाहे वो ट्राइबल हों, चाहे वो दलित समाज से आते हों, चाहे वो जाट समाज से आते हों, किसान वर्ग से आते हों, आज एक बड़े लेवल की ज्वाइनिंग हुई है। पार्टी ने अभी भी इसको पूरा एक अच्छे तरह से हाईलाइट किया है, क्योंकि जनता में मैसेज जाना जरूरी है कि हर एक वर्ग का, हर एक जिसको कहते हैं तबके का इंसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है। और जो सेंटर में हमारी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, आदरणीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल जी, उनकी जो लीडरशिप है, उसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी रह जाती है वो रह जाती है जो ग्राउंड पे ज़मीनी तौर के ऊपर जो एक्टिव नेता हैं, जिनकी अच्छी फॉलोइंग है, वो लोग कितनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं। तो आज जो नारा दे रखा है मिशन 25 वाला है, या 404 सीटों, 400 के पार सीटों के बात है, उसके अंदर आज एक कदम और हम शायद हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ें, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपना लक्ष्य प्राप्त करने में हमारे को सफलता मिलेगी। देखिए, मैं नहीं समझती कि यह किसी व्यक्ति विशेष को, जाति विशेष को या धर्म विशेष को टारगेट करके किया जा रहा है, लेकिन ये सही बात है कि अगर राज्यसभा में हमारी पूर्ण बहुमत आता है अगले चुनाव के बाद में, एक पूरी संभावना है जिसके अंदर हम जीत करके आएंगे, राज्यसभा में पूर्ण बहुमत आता है, आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े फैसले लेने हैं, और सरकार के लिए वो तभी संभव हो पाता है जब उसके पास में एक अच्छा मैंडेट हो, क्योंकि उसमें यह दर्शाता है कि हाँ, जिस सरकार को आपने बिठा रखा है उसको बहुत पॉजिटिव वे में पब्लिक ने सपोर्ट कर रखा है। ऐसे कोई मतलब जिसको कहते हैं कि गठबंधन टाइप की सरकार नहीं है कि बड़े फैसले ले ले, तो एक लेजिटिमेसी अटैच होती है अगर बहुमत ज़्यादा आता है। इसीलिए मुझे लगता है कि मोदी जी ने जो ये नारा दे रखा है, ताकि कोई भी बड़े फैसले वो लें उसके साथ वो लेजिटिमेसी अटैच्ड हो, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है। अंदरूनी कलह कह लीजिए, या कुछ नेताओं का अपना पक्षपात कह लीजिए, या दूसरे लोगों को अपीज करने का कह लीजिए, मैंने पार्टी जब छोड़ी थी तो मैंने बहुत खुले में ये बात कही थी कि जो कांग्रेस के नेता हैं या कार्यकर्ता, उनकी अनदेखी हो रही है हमारे क्षेत्र में, तो मैंने पार्टी छोड़ी। आज आप बता रहे हैं, जब सारे नेता मंच पे बोल रहे थे, उन्होंने अपनी अपनी व्यथा सब लोगों के सामने रखी है, तो कहीं ना कहीं सब उस गुटबाजी का शिकार हो रहे हैं, और ग्राउंड पे जो उनको डिलीवर करना है वो नहीं कर पाते।
तो उसी का नतीजा दिखता है मुझे आज कि बड़े लेवल पे ज्वाइनिंग हुई है। और मुझे लगता है आने वाले समय में ऐसे बहुत से बड़े नेता और हैं, कद्दावर नेता और हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता और हैं जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। 25 में से 25 भाजपा देखते हैं, मैं पूरा विश्वास है मुझे कि दो बार आई है तो तीसरी बार भी जरूर आएगी 25 की 25 सीटें मोदी जी।